हम लोग की कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी बात थी कि हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत किया था, क्योंकि पवन जी ने पहले ही बोला था कि ये जो हम आपके साथ जो म्यूज़िक कर रहे हैं तो इसमें आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगाएंगे। तो मैंने उनको यही बोला था कि ये हम लोगों का काम है तो कि कैसे लोगों तक पहुँचाएँ इस चीज़ को, और लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया। और ये 67 मिलियन जो हुआ है, ये ऐसे संजोग बहुत कम होते हैं, ऐसे संजोग जो है, और उनकी गायकी बहुत अच्छी है, और जितना हो सकता था ये सब कैसे हुआ ये किसी को पता नहीं है, बट लोगों ने लाइक किया, बहुत अच्छे तरीके से इसको पसंद किया है, तो हम लोग उस चीज़ को एंजॉय किए। और आज जो है हम चाहते थे कि ये जो पूरी टीम है उनके साथ सेलिब्रेट करें बेसिकली, जिसमें सब लोग उसमें आए और ये इस ये मोमेंट को एंजॉय करें, तो यही हमारा एक मकसद था। और इसमें सिर्फ वही लोग इनवाइटेड थे इस बार, और ये जो इसके बाद का जो फंक्शन हमने प्लान किया है उसमें पूरी इंडस्ट्री होगी एंड उसमें सब लोग होंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में के लोग हैं। और ये हम लोगों ने सिर्फ इस बार जितनी हमारी जो टीम थी भोजपुरी टीम जितने भी लोग थे उनके साथ सेलिब्रेशन हुआ है, और ये जो सेकंड सेलिब्रेशन होगा ये पूरी इंडस्ट्री के साथ होगा। पवन जी एक वर्सेटाइल सिंगर हैं एंड अच्छे एक्टर हैं, तो जितना वो अच्छा प्लान करते हैं और जितना अच्छा वो करते हैं उससे हम लोगों को बेनिफिट होता है हर एक जगह पे, और हम लोग मिलके प्लान करते हैं कि कैसा ये होना चाहिए और किस ढंग से अच्छी चीज़ें बाहर आएँ। दोनों की जोड़ी बहुत एक अलग मुकाम तक लेके जाती है। एंड जहाँ तक काजल राघवानी का सवाल है, ये अगर वो नहीं होते तो हो सकता ये भी ना होता, और पवन जी नहीं होते तो वो भी नहीं होता, यू नो, तो एक कॉम्बिनेशन है, एक इनका जो काजल राघवानी और एक बॉन्डिंग है। और आजकल काजल राघवानी जो है बहुत पॉपुलर है और वर्ल्ड वाइड के लिए वो बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके गाने हमारे यहाँ से रिलीज़ होते हैं और पवन जी के, और आज की तारीख में वो नंबर वन सुपरस्टार हैं। ये तो पता नहीं कि कौन सा गाना और जो है इसके बाद पसंद आएगा, एंड हम चाहते हैं कि जैसे ये सुपरस्टार पवन सिंह जी की हैं, खेसारी जी की भी आए और उसी ढंग से हो, दिनेश जी की भी एकदम जो है, तो हमारे तीनों फेवरेट हैं और ये तीनों कंपनी के साथ काफ़ी इनों की वजह से ही कंपनी, बेसिकली आर्टिस्ट की वजह से कंपनी जो है वो चलता है, कंपनी की वजह से आर्टिस्ट नहीं चलता है, तो ये हम लोग माने पहले, क्योंकि उनके जो टैलेंट्स हैं वो हम लोग उस चीज़ को सही ढंग से लेके जाते हैं, और अगर वो हैं तो हम हैं, तो ये हमको मान के चले कि हमारे लिए आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है और सब जो काम करने वाले लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है कि अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी चीज़ को डिलीवर कर सकें। और हम थैंक्स करते हैं पवन जी को एंड काजल राघवानी को कि उन लोगों ने इतना ये किया, और फिर मधुकर जी जो हैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की, प्रियंका सिंह है, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ हमारी जो कंपनी है, जो हमारी टीम है पूरी, उसने बहुत मेहनत किया इस गाने के ऊपर और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। प्लैनेट भोजपुरी।